नमस्कार। नेक्स्ट टॉपिक अपने कक्षा 12 के सिलेबस में 143 में और रे ऑप्टिक्स चल रही है। अपनी रे ऑप्टिक्स का लेंस मेकर फॉर्मूला हमने कर लिया था, लेंस सूत्र हमने कर लिया था, लेंस मेकर फॉर्मूला जो लेंस निर्मात्री सूत्र है वही से हमने निकाला था लेंस सूत्र। अब आगे इसमें बात करते हैं आवर्धन की, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। जैसे दर्पण में हमने आवर्धन पढ़ा था वैसे ही इसमें लेंस में भी आवर्धन होता है। परिभाषा भी वही है, क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। लेकिन जब न्यूमेरिकल पोर्शन में पहुंचेंगे तो उसके रिजल्ट थोड़ा सा अलग आएंगे, इसलिए हम पहले इसको प्रूफ करेंगे। सामान्य डेफिनेशन की अगर बात करें तो वही है कि आवर्धन की प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को एम से लिखते हैं, एम इज इक्वल टू नॉर्मली क्या होता है, आई अपॉन ए। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट आई फॉर इमेज। मतलब किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात जो है उसको ही आवर्धन कहते हैं। अब हम इसमें लेंस के लिए बात करते हैं तो लेंस के लिए आवर्धन क्या होगा। उसके लिए जैसे दर्पण में हम डायग्राम बना के सोल्व किया था आई और ओ के मान रखे थे, वैसे यहां पर भी रख सोल्व कर सकते हैं। हम आसान डायग्राम के लिए वस्तु को कहीं पर भी स्थित मान सकते हैं, ज्यादा नजदीक मानेंगे लेंस के तो फिर वो इमेजिनरी प्रतिबिंब बनेगा काल में। हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं, वस्तु को थोड़ा सा दूर रख देते हैं और फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जैसे ये कोई लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है जिससे हम बात कर चुके हैं सारी, ये इसका एफ है और ये एफ और टू एफ है। टू एफ को ही क्या कहते हैं, सी कहते हैं। सी वन और एस के लिए सी वन सी टू जो लिए थे हमने। वस्तु को अगर हम यहां रख दें तो ये प्रकाश किरण क्या होगी, इसके समांतर जाएगी मुख्य अक्ष के, जाने के बाद में किस में से निकलेगी, एफ से निकलेगी और इस तरह से जाएगी। एक प्रकाश किरण कहां से, सी से गुजरती है जो हमेशा बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जहां दोनों एक दूसरे को काटती है वहां पर प्रतिबिंब बनता है। ये बातें कक्षा 10 में आ जाती है, ज्यादा डीपली अपने डायग्राम की जरूरत है, बाकी अपने काम की बात भी नहीं है इसके अंदर। ए बी और ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो ये तो हो गई वस्तु, ये हो गया प्रतिबिंब, ये हो गई वस्तु की दूरी और ये हो गया प्रतिबिंब की दूरी। अब यहां कौन सी प्लस है कौन सी माइनस है उसके नियम हम पढ़ चुके हैं कि मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ ऊंचाई जो होती है ऊपर की तरफ वो प्लस में होती है और उल्टी जो होती है नीचे की तरफ वो माइनस में होती है। प्रकाश प्रकाशीय केंद्र है वहां से चलना है, कहां से, सी से। और अगर प्रकाश किरण की गति की दिशा में जा रहे हो तो प्लस में और उसके विपरीत दिशा में जा रहे हो तो माइनस में। तो जब हमें यू को मेजर करना है तो हम सी से चल के किधर आएंगे, इधर आएंगे। प्रकाश किरण किधर जा रही है, इधर। हम किधर आ रहे हैं, विपरीत हो गए, इसलिए दूरी किस में आएगी, ये माइनस में। अब जब वी को मापना है तो वी प्रतिबिंब कहां बन रहा है, ए डैश पे बन रहा है, इसीलिए हम किधर जाएंगे, इस दिशा में जाएंगे। प्रकाश किरण भी देखो इधर ही तो आ रही है, दोनों एक ही डायरेक्शन हो गई, इसलिए बी किस में आएगा, प्लस में। तो ये माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन हमें ध्यान रखना है। अब दूसरी बात, अब हमें क्या निकालना है, आई एफ और ओ निकालना है, वही एम के बराबर होगा तो नॉर्मल वे में तो ये हो गया, लेकिन दूसरा तरीका हम बी और यू के पदों में भी हमें सोल्व करना है। तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो उसमें बी और यू के पदों में क्वेश्चन होगा, हम U और F के मान हमें दिए जाएंगे, हमें प्लस माइनस देखना पड़ेगा जिसके हम बात कर लेंगे। V का मान हम ज्ञात करेंगे और U और V से फिर हमें आवर्धन M का मान निकालना पड़ेगा। जैसे दर्पण में निकाला था M इज इक्वल टू होता है माइनस V अपॉन U। अब इसके अंदर बात कर लेते हैं क्या होगा, इसके लिए दो त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, दिख रहा है ये त्रिभुज ए बी सी। दूसरा त्रिभुज ये है ए डैश बी डैश सी, दोनों यहां है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही है, बनने वाले कोण
क्या होते हैं, क्या बोलते हैं, तीसरा विमुख कोण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये दोनों काट के दिखाएं तो ये जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये ध्यान बराबर होते हैं, ये कोण बराबर है, ये कोण कितना है, सीधी है 90 डिग्री है, ये कोण कितना है 90 डिग्री है, दो कोण समान है तो तीसरा कोण भी, क्योंकि तीनों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहां से बात करें ऐसी स्थिति में दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप त्रिभुज हो जाते हैं, क्योंकि हम समरूपता का जब नियम अप्लाई करते हैं तो वो पता भी तो होना चाहिए भाई समरूप है, तो उसके लिए यहाँ लगभग कोणों की स्थितियां अलग होती है, तीनों कोण दूसरे के तीनों कोणों के बराबर होते हैं, तो क्या होता है कि इन्हीं की दो भुजाओं का अनुपात दूसरी दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो हमें पता है हाइट ऑफ इमेज कितनी है ए डैश बी डैश, तो क्या होगा ए डैश बी डैश दो भुजाओं का अनुपात, इसका भी हमने लंब ले लिया, इसका भी लंब ले लें ए बी, इसका आधार ले लें और इसका भी आधार ले लें, तो क्या आया सी ए डैश अपॉन ए सी या सी ए लिख दो कोई बात नहीं, ये ए डैश बी डैश और ए बी इनके मान अपने को चारों के मान रखने हैं, तो ए बी का मान लिखे पहले, तो ए बी बराबर क्या है, क्या है आई है, आई मान लेते हैं इसको, सॉरी ऑब्जेक्ट है ना ओ मान लेते हैं ओ, और इसको आई मान लेते हैं, ठीक है एच वन एच टू भी मान सकते हो कुछ भी मान लो ऊंचाई है, ठीक है आई की फॉर्म में मान लें ताकि आई अपॉन होगी हमें एम लिख देंगे इसलिए आई हो ऊंचाई मान लें इसकी, तो ये प्लस में आएगी क्योंकि ऊपर की तरफ है, ए डैश बी डैश का मान क्या आएगा नीचे की तरफ है इसलिए किसमें आएगा माइनस आई आएगा, ये ऑब्जेक्ट है ना वो आ गया, और ये ए सी का मान किसमें आएगा विपरीत दिशा में जा रहे हैं इसलिए माइनस का यू आएगा, इधर किस में जा रहे हैं उसी दिशा में जा रहे हैं इसीलिए सी ए डैश किस में आएगा प्लस में आएगा। अब ये सारे मान आप यहाँ रख दें, यहाँ रख देंगे और सिंप्लीफाई कर लें, तो ए डैश बी डैश की जगह रखेंगे माइनस आई और ए बी की जगह रखेंगे ओ, सी ए डैश की जगह रखेंगे सी ए डैश बी और इसकी जगह रखेंगे माइनस का यू, तो माइनस माइनस तो कट गए, क्या आया I अपॉन ओ इज इक्वल टू V अपॉन यू, तो I अपॉन ओ तो हमें पता ही है, दूसरा तरीका क्या आ गया I अपॉन ओ किसके बराबर है M के बराबर है, तो यहाँ फॉर्मूला क्या आ गया M इज इक्वल टू I अपॉन ओ इज इक्वल टू V अपॉन यू, इसका मतलब दोनों में अंतर है, ये लिए भी दर्पण के लिए याद रख लिया वही इसके लिए अपने रख लिए, दर्पण के लिए जो वैल्यू होती है वो किस में होती है माइनस में आता है, उसमें माइनस बी अपोन यू आते ध्यान रखे माइनस बी अपोन यू आते, इसके अंदर क्या आ रहा है प्लस बी अपोन यू, तो आवर्धन इमेज इस हाइट की फॉर्म में तो वही होता है आई अपोन ओ, यहाँ भी आई अपोन ओ, लेकिन जब डिस्टेंस की फॉर्म में लेते हैं वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी की रूप में जब बात करते हैं तो यहाँ एम की जो वैल्यू आती है वो आती है बी अपोन यू और दर्पण की जब आती है तो आती है माइनस बी अपोन यू। वहां हमने एक बात सोल्व करी थी U B और F लिया था हमने, तो M का जो मान है U और F के पदों में सोल्व किया था, M का जो मान है V और F के पदों में सोल्व किया था, यानी उस रूप में न्यूमेरिकल भी दे देते हैं और दूसरी बात शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में भी एक नंबर में पूछ लेते हैं इसका सूत्र लिखो तो फिर अपने को पता नहीं होता, और सिंपल सी छोटी सी गणित लगानी है अपने को लघुत्तम लेके और एल एच एस को आर एच एस जाना है और माइनस को प्लस में प्लस को माइनस में चेंज करके सिंपल सी मैथ अप्लाई करनी है और उसमें रिलेशन हमारे पास आ जाएगा। हमें बेसिक बात पता होनी चाहिए कि एम जो है वो किसके बराबर होता है हाइट की फॉर्म में आई अपॉन ओ के बराबर या एच टू अपॉन एच वन लिख दो हाइट फॉर्म को लिख करनी है और दूसरा दूरी के रूप में वी अपॉन यू के, तो जहां वी अपॉन यू आ जाए वहां क्या लिख देंगे हम एम रख देंगे। दर्पण समीकरण में जब हमने सोल्व किया था आवर्धन दर्पण के लिए तो दर्पण समीकरण का यूज किया था, लेंस के लिए सोल्व कर रहे हैं तो लेंस समीकरण का यूज करेंगे, तो लेंस सूत्र से बात करते हैं हम इसको आगे, लेंस सूत्र से क्या लिख देते हैं माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी इज इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन एस। अब एक बार यू का गुणा कर दो और एक बार वी का गुणा कर दो, बस जब यू का गुणा करोगे तो वी के पदों में आ जाएगा और वी का गुणा करोगे तो यू के पदों में, तो अब आप यू से गुणा कर दो इसको, यू से गुणा करने पर
क्या आएगा, u से गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा, माइनस u अपॉन u प्लस u अपॉन v इज इक्वल टू u अपॉन f, सबको u से गुणा कर दिया, कट गया, क्या आ गया u अपॉन v, और ये माइनस एक हो गया ना, इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस वन, तो ये हो गया प्लस वन। अब देखो हमें तो पता है v अपॉन u हो रहा है, तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा ऐसे नहीं कर सकते भाई, इसको इसको एक साथ अलग अलग वैल्यू है, पहले एक वैल्यू में कन्वर्ट करनी, तो उसके लिए एलसीएम ले लें, तो u अपॉन v इज इक्वल टू क्या आएगा f, तो आ गया एलसीएम u प्लस f, ये हो गया। अब इसको उल्टा कर सकते हैं, एक ही वैल्यू हो गई ना, पूरा अंश एक हो गया, हर एक हो गया, तो अब इसको रिवर्स कर दे, रिवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये v अपॉन u, इधर भी रिवर्स कर दो क्या हो गया f अपॉन u प्लस f, तो यहां से इसकी जगह क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे m, तो ये वैल्यू आ गई m इज इक्वल टू f अपॉन u प्लस f। तो जब इस फोरम में अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है तो थोड़ी सी समस्या हो जाती है हमें, अगर डायरेक्ट याद नहीं होता तो फिर कैसे सोल्व करें, प्रूफ करने को कह दें, तो एक नंबर पे भाई क्या किया है, ऐसी में तो लिया हमने कौन से बड़ी गणित की वजह से, लेकिन अगर ये कह दें भी u और f के पदों में, तो u के पदों में निकालना है तो u से गुणा कर दो, और v के पदों में निकालना है तो v से गुणा कर दो, तो करना आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ऐसे सोल्व करें, रिजल्ट नहीं याद है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि सोल्व करने में तो कितना 30 सेकंड 40 सेकंड का समय लग गया मुश्किल से, ठीक है, नहीं याद है तो भी हमें सिंप्लीफाई कर लें, लेकिन पता होना चाहिए भाई इसको हम इस तरह से u और f के पदों में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको m पूछा गया है, u और f के मान दे रखे हैं, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी, तो अपने हमेशा क्या करेंगे, सीधा दिमाग में आता है कि पहले v निकालो, किससे निकालेंगे, इससे v निकालेंगे, फिर इस सूत्र का यूज करेंगे, आपको v का मान पूछेगी, ये प्रतिबिंब पूछेगी कितनी दूरी पर है, आपको डायरेक्ट ही पूछे कि आवर्धन कितना होगा, तो फिर आपको प्रतिबिंब की दूरी निकालने की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ f और u के मान रखने हैं, बाहर जगह उत्तर निकालना है, तो जो काम एक लाइन में हो रहा है वो पहले तो आप इसको सोल्व करने बैठोगे, 6 लाइन इसकी करोगे और फिर इसको सोल्व करने बैठोगे, ठीक है, तो जो काम एक लाइन में हो रहा है वो 8 लाइन में काम कम्प्लीट होगा, टाइम ज्यादा लगेगा। पेपर जो आता है बोर्ड पेपर वो उसी के अकॉर्डिंग आता है, यानी जितना आपको पेपर में करना होगा उतना ही आपको टाइम मिलेगा, ऐसे नहीं है भाई 2 घंटे सोच लो और 1.25 घंटे में कंप्लीट कर लो इतना पेपर, पेपर भी उतना ही होगा जितना टाइम आपको कंटिन्यू लिखने में चाहिए, क्वेश्चंस को करने में चाहिए, जो शुरू से लास्ट तक लगातार जिसको आते हैं क्वेश्चन और लगातार करता रहेगा उसके लास्ट में हो सकते हैं 5 मिनट बच जाए, 10 मिनट बच जाए बस, या 2 मिनट पहले ही उसको कंप्लीट होगा उसका, इतना ही पूरा पूरा बराबर बराबर टाइम जो है होता है, ज्यादा टाइम एक्स्ट्रा नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, लॉन्ग टाइप भी होते हैं, न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, कहीं 2 मिनट ज्यादा भी लगती है सोचने में, कहीं कम भी लगती है, लेकिन बराबर जितना क्वेश्चन हमें करना है उतना तो हमें उसमें लिखना ही पड़ेगा, तो जो लिखने का टाइम है वो तो उतना है ही, उसके अलावा पर्टिकुलर हमें सोचने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए, इन चीजों के लिए भी टाइम चाहिए, तो पूरा पूरा टाइम होता है उसके अंदर, इसीलिए जो क्वेश्चन जिस तरीके से करने चाहिए उसी तरीके से आप थोड़ी सी प्रैक्टिस रखेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, अगर पूरा उसको घुमा घुमा के करेंगे, एक को 3 बार घुमा के भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे इसी की बात की हमने कि आपको यू और एफ के मान दे रखे हैं और पूछ लिया कि आवर्धन याद कीजिए लेंस का, तो आवर्धन याद करने के लिए पहले तो ये सूत्र लगा दो, आप वी का मान निकालो, वी का मान निकालने के लिए पहले यू एफ के मान रखोगे, दूसरी तरफ ले जाओगे, एलसीएम लेके जाओगे, गुणा भाग करोगे, फिर वी का मान रहे, फिर हम देखेंगे कि एम बराबर होता है वी एफ ऑन यू, क्वेश्चन कितने नंबर गए, 1 नंबर गए, फिर हमने इसको यहाँ किया, नंबर तो मिल जाएगा लेकिन हमारे 5 मिनट एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएंगे, उसकी भरपाई नहीं होगी, इसलिए जो तरीका है क्वेश्चंस में आपको ये देखना है कि दिया क्या गया है, फिर उसको अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है, उसके लिए वैल्यूज क्या है, तो अगर आपको ये नहीं याद है तो भी इसको सिंप्लीफाई करके हलाना ज्यादा आसान है क्वेश्चन करने से बेटर, तो अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो याद भी रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसी तरह से दूसरी बात, वी और एफ के पदों में और निकाल लें, तो ये आवर्धन का मान किसके रूप में है, ये है आवर्धन किसके रूप में है, आवर्धन वस्तु की दूरी एवं फोकस दूरी के रूप में या पदों में है। दूसरी बात करें, v और f के पदों में आवर्धन v
व एफ के पदों में आवर्धन तो क्या करना है, वी और एफ के पदों में ये इक्वेशन तो यही है अपने पास, माइनस वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी लेंथ सूत्र से, और अब किसका गुणा कर दो वी का, जिसमें चाहिए उसी का गुणा कर दो, गुणा करने तो ये आ गया माइनस वी अपॉन यू प्लस वी अपॉन वी इज इक्वल टू वी अपॉन एफ, ये वन हो गया माइनस वी अपॉन यू प्लस वन इज इक्वल टू वी अपॉन एफ। अब अपने को वी अपॉन यू बराबर होता है एन, तो वी अपॉन यू चाहिए अपने को, तो वी अपॉन यू के लिए क्या करें, वी अपॉन यू को इधर ले जा प्लस हो गया और इसको इधर ले आओ, तो यहां इसको तो उधर ले गए तो क्या हो गया वी अपॉन यू, और इसको उधर ले आए तो क्या हो गया वन माइनस वी अपॉन एफ, एलसीएम ले लो एफ एलसीएम आ गया एफ माइनस वी इज इक्वल टू वी अपॉन यू, और वी अपॉन यू किसके बराबर हो गया एफ के, एफ माइनस वी अपॉन एफ ये किसके मान आ गए एफ और वी के पदों में आवर्धन। तो यह आवर्धन मान तीन प्रकार से चार प्रकार से आ गया, इमेज के और ऑब्जेक्ट की हाइट की फोरम में और डिस्टेंस की फोरम में, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, और दूसरा फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की फोरम में और फोकल लेंथ एंड इमेज डिस्टेंस की फोरम में, जिस फोरम में हमें यूज करना है उसी में आप यूज कर सकते हो। न्यूमेरिकल ये करने के लिए इनकी हमें जरूरत रहेगी, अभी एक दो टॉपिक और पढ़ेंगे हम, इसमें दो बातें करेंगे, अभी एक बात करेंगे लेंस की शक्ति और दूसरी बात करेंगे कॉन्टेक्ट इन लेंस, तो लेंस को अगर संपर्क में पास पास चिपका के रख दिया जाए तो उसके शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये दोनों बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी न्यूमेरिकल क्लास में आएंगे, तो इसकी न्यूमेरिकल क्लास में हम बात करेंगे इनसे लेंस सूत्र से संबंधित न्यूमेरिकल, लेंस मेकर फॉर्मूला जो मैं किया था, लेंस निर्मात्री सूत्र उससे संबंधित न्यूमेरिकल और आवर्धन से संबंधित न्यूमेरिकल इसमें आए जाएंगे, उसके अलावा बात करेंगे लेंस की शक्ति महत्वपूर्ण टॉपिक है, छोटा सा लेकिन महत्वपूर्ण है न्यूमेरिकल के लिए, उसके न्यूमेरिकल, और अगर लेंसों को कॉन्टेक्ट में रख दिया जाए स्पर्श करा के रख दिया जाए तो उनकी शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी बात करेंगे, उसके लिए हमें एफ का मान चाहिएगा कि एफ का मान किसके लिए प्लस होता है और किसके लिए माइनस होता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो भी हम अभी बता देते हैं, हमारे कल की क्लास में फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि लेंस की शक्ति के लिए क्षमता के लिए हमें एफ का मान चाहिए बस, तो उसके लिए ये ध्यान रखो उत्तल लेंस, देखो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस में क्या होता है प्रकाश किरण क्या कर देता है ये फोकसिट कर देता है, इधर आ रही है प्रकाश किरण और इधर जा रही है, ये सी यहाँ है यहां से मापना है तो इसके यहाँ फोकस बिंदु है इसका तो इधर जाएगी हम, प्रकाश किरण भी इधर इधर जा रही है तो एफ किस में आएगा प्लस में, तो उत्तल लेंस का जो एफ है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है, ये बात आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, हमें पता होना चाहिए उत्तल लेंस अभिसारी लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं इसे, और इसकी फोकस दूरी जो है वो पॉजिटिव होती है। दूसरी बात करें अवतल की, तो अवतल में क्या होता है ये तो मुख्य फोकस है और यहां से प्रकाश किरण आती है इसको अपसारित कर देते हैं, ये प्रकाश किरण की गति की दिशा है इधर, तो ये सी है जहां से चलना है, हम इनको पीछे बढ़ाते हैं तो ये मिलती प्रतीत होती है आभासी प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ये फोकस बिंदु यहाँ है, यहाँ है, यहां तक आने के लिए हमें किधर चलना पड़ेगा विपरीत डायरेक्शन में चलना पड़ेगा, तो विपरीत डायरेक्शन में चल रहे हैं तो एफ किस में आएगा माइनस में, तो ये बात आप याद रख सकते हो, याद रहे तो, और याद नहीं रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आप डायग्राम बना के देख लो, आप देख लो भाई हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, लाइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, प्रकाश की गति की दिशा में जा रहे हैं तो प्लस में ले लो, तो जब हम उसके विपरीत आ रहे हैं तो माइनस में ले लो, अगर विपरीत है तो माइनस में और सेम डायरेक्शन है तो प्लस में, तो अगर कंफ्यूजन भी हो जाती है तो हमें 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे, हम इसका डायग्राम बना के भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, गलत करने से बेटर है उसको हम सिंप्लीफाई कर लें और फिर उस वैल्यू को पुट करें तो दिक्कत नहीं आएगी, तो इसको आप रिवाइज कर लें, बाकी जो बात है वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, इसके फोकस से संबंधित, इसकी शक्ति से संबंधित, और अगर लेंस को कॉन्टेक्ट में रख दिया जाए संपर्क में रख दिया जाए तो उससे संबंधित क्या होगा, तब तक आप उसको रिवाइज कर लें, थैंक यू।